नमस्कार दोस्तों, रोहतक डोम्स में आपका स्वागत। आज हम आपको ईंटों की छत लगाना सिखाएंगे बगैर सपोर्ट के। देखिए, सबसे पहले हम सेंटर करके और निशान लगाएंगे ईंटों का, किस तरह से ईंटों को एक एक जोड़कर बनाएंगे। ये देखिए, निशान लगाए जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक एक ईंट को जोड़कर बनाया जाएगा बगैर किसी सपोर्ट के। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो संपर्क कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ये बहुत ही पुरानी कला है, एक एक निशान लगा करके ईंटों के हिसाब से और इसकी गोलाई बना दी जाएगी। ये देखिए, निशान लगाए जा रहे हैं, देखो निशान लग चुके हैं और अभी छत स्टार्ट करने वाले हैं हम। यहाँ कोने स्टार्ट करेंगे, उसके बाद गोलाई होगी, उसके बाद छत पूरी होगी, कोई स्पॉट नहीं होगी इसके अंदर। ये देखिए, मसाला लगा दिया है और ये ईंट काट के ईंट लगा दी गई है। आप देख सकते हो कोई भी स्पॉट नहीं है इसके अंदर। एक एक ईंट को जोड़कर छत बनाई जाएगी बगैर किसी स्पॉट के। ये देखिए, निशानों पे ही चलना है, बिल्कुल एक्यूरेट। ये दूसरा निशान आ गया है, इस पर ईंट काट कर मसाला लगा दिया है और अब चिपका दी गई है ईंट। देखिए, कोई भी स्पॉट नहीं है इसके अंदर। एक एक ईंट को जोड़कर एक अच्छा अद्भुत नमूना तैयार किया जाएगा बगैर किसी सपोर्ट के। ये कला बहुत ही पुरानी कला है, राजा महाराजाओं के टाइम यही लगती थी छत, डाट वाली छत। किसी प्रकार का कोई लेंटर नहीं होता था, कोई गाटर टुकड़ी नहीं होती थी, सिर्फ इसी का ही प्रयोग किया जाता था। एक ईंट को तराश कर चिपकाया जाता है इसमें। ये देखिए, मसाला लगा दिया है, अब ईंट चिपका दी गई है। ये स्पेशल लद्दों की छत है, ईंट के हाफ की। इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक एक ईंट को चिपकाया जा रहा है। ये देखिए, कोना भरने वाला है बस। ये हमारे दूसरे मिस्त्री लगे हुए हैं, कोना भर दिया इन्होंने। अब कोने से चाल चालू हो जाएगी गोलाई के लिए। वो कहते हैं बूंद बूंद से गढ़ा भरता, इसी प्रकार एक एक ईंट चिपका करके छत को पूरा किया जाएगा बगैर किसी सपोर्ट के। जैसा कि आप देख सकते हो, एक एक ईंट को जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, एक एक कोने भर दिए गए इनके और इसके बाद अब गोलाई चालू हो जाएगी। ये देखिए, कोना पूरा भर दिया, सफाई देखिए नीचे, फिनिशिंग। एक एक ईंट की सफाई की गई है। इसके ऊपर खड़े होकर दिखा रहे हैं हम, इतनी मजबूत है ये। ये लेंटर से डबल वेट ले सकती है, इसकी मजबूती हाथी भी चढ़ा दे, रेल भी चढ़ा दे इसके ऊपर, तब भी कुछ नहीं बिगड़ता। बड़े बड़े जो पुल थे अंग्रेजों के ज़माने के, वो डाट से ही बनाए गए थे, उनमें डाट का ही प्रयोग किया गया, इनके ऊपर से रेल चलती। दिल्ली में आज के समय भी आप देख सकते हो, जो पुल बनाया लाल किले के पास, जिसमें डाट लगाई गई है, उसके ऊपर से रेल चलती है। इसकी मजबूती के सामने सब कुछ कम पड़ जाता है। इसकी मजबूती इतनी है, ये लेंटर से डबल वेट ले सकती है। गीली छत पर ही जब हमने चढ़ कर दिखाया, ये देखिए ईंट लगा दी गई है, कोई सपोर्ट नहीं है, फिनिशिंग देखिए, फिनिशिंग की गई है इसकी अच्छे से।
मेरे पिताजी ने 45 साल काम किया है, ईंटों की छत का, उन्हीं से ही मैंने काम सीखा है। और मेरे को भी ये मान के चलो आप 18 साल हो गए, 2002 में मैंने चालू किया था स्टार्ट। और हमने इसी को देखते हुए ट्रेनिंग स्कूल भी खोलना चाहा है। अब उसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे स्कूल में। इस कला को हम और ही बेहतर देखना चाहते हैं कि हर जगह इस कला को दिखाया जाए। जो लोग जिसको जानते हैं, इस कला के बारे में जानते हैं, वो ही छत लगवाते हैं। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि डाट की छत क्या होती है। ये दिखाने के लिए हमने रोहतक डोम्स यूट्यूब चैनल बनाया है। चैनल तो बहुत सारे बनाते हैं, कोई कोई बना लेता है, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल चैनल है। इसे सभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये देखिए गोलाई लग के तैयार हो गई है। एक एक ईंट लगा के गोलाई घुमा दी गई है। दो मिस्त्री लगे हुए हैं। ये देखिए, ये है हाफ की ईंट के हाफ की छत है। ये देखिए चिपक गई। इसमें ये डिजाइनिंग निकालना है हमें। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये देखिए मसाला लगाया और ईंट चिपका दी गई है। एक बेहतर कलाकारी की गई है इस छत में। ये अभी डिजाइन चालू कर दिया गया, ईंट को काट करके मशीन से कटवा करके ट्रैक्टर चाल बनाई गई है। इसमें जैसे ट्रैक्टर के पहिए होते हैं, इस तरह से डिजाइन निकलेगा इसका। थोड़ी देर में ही हम आपको डिजाइन दिखाएंगे। ये देखिए डिजाइन निकल रहा है। अब इसमें एक एक ईंट जोड़ करके डिजाइन बनाया गया है, तराशा गया इसको। ये देखिए मसाला लगा दिया गया है और ये डिजाइन की ईंट चिपका दी गई है ट्रैक्टर चाल की। लाल किला, ताजमहल, सभी में डाट की छत है। बेहतर कलाकारी की गई है। लाल किले में अगर लेंटर होता तो आज तक खत्म हो गया होता वो, लेकिन डाट की छत है। लदा और सदा, डाट को लदा भी कहते हैं, लदा की छत। ये देखिए डिजाइन पूरा तैयार होने वाला है अभी। ये पूरा हो गया डिजाइन हमारा। ये देखिए पूरा होने वाला है डिजाइन, ट्रैक्टर बन के तैयार होने वाला है। ये ट्रैक्टर चाल हो जाएगी हमारी। इसके बाद दूसरा डिजाइन निकलेगा इसमें। ये देखिए डिजाइनिंग की ईंट काटी गई है, ट्रैक्टर चाल की ईंट काटी गई है। ये देखिए, ये देखिए ट्रैक्टर बन गया है, ट्रैक्टर चाल हो गई है ये डिजाइन। चिपका दी गई है। ये हुनर सीखने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग कैंप में भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है। हर प्रकार की छत सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है हमारे यहाँ। कांटेक्ट कर सकते हो आप। कांटेक्ट करने के बाद आपको पता लग जाएगी ट्रेनिंग किस तारीख को स्टार्ट होगी।
और ये अब डिजाइन पूरा होने वाला है। ये देखिए डिजाइन बनकर तैयार होने वाला है पूरा, ट्रैक्टर चाल डिजाइन। ये देखिए एक एक ईंट को तराश करके लगाया गया है, लाल किले ताजमहल की तरह जैसे डाटों को तराशा गया है उसमें, इसी तरह से इस छत को भी हमने एक एक ईंट करके तराश के बनाया गया है। देखिए डिजाइन पूरा हो गया है, मसाला लगाया और ये डिजाइन की ईंट चिपका देंगे अभी। ये देखिए ये हमारा एक डिजाइन निकल गया है इस छत में। डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम आपको दिखाएंगे दूसरा डिजाइन। किस तरह से डिजाइन को एक एक को तराशा गया है। अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारी नई नई वीडियो जाएंगी। ये देखिए अभी दूसरा डिजाइन निकाला है, खड़ंजे का डिजाइन है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कलाकार की कलाकारी की जो भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। कमेंट्स कर सकते हैं आप हमें कैसी लगी। ये देखिए अभी डिजाइन एक दो डिजाइन और निकल गए हैं और ये छत बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए एक बहुत ही सुंदर छत बनकर तैयार हो चुकी है, ट्रैक्टर चाल खड़ंजा ईट टाइल्स का खसके और टाइल्स को ईट को काट करके किस तरह से डिजाइन में तराशा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो विश्वकर्मा जी की। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।